वेलकम बैक गाइस, गुड मॉर्निंग। एंड अभी सुबह सुबह नहा धो के उठ के एकदम फ्रेश हो गए हैं, ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है। अब चले हैं एलिफेंट बीच, है शायद कोई, तो एलिफेंट बीच पे ब्रेकफास्ट हो गया हमारा और हम चले हैं अब एलिफेंट बीच सुबह सुबह घूमने के लिए। गाड़ी आ गई हमारी, वो देखो वहाँ पे बीच, आज दिन में कितना सुंदर दिख रहा है। आज वहाँ भी जाना था, सोने के चक्कर में वहाँ भी नहीं जाना। कोई नहीं, वहाँ भी चल देंगे। तो अभी होटल से निकल के हम लोग आए हैं जेटी। जेटी बेसिकली एक पोर्ट है यहाँ पे, जहाँ से सारे बोट से आते हैं और जाते हैं। अगर आप क्रूज से भी आएंगे तो आप जेटी पे ही आएंगे, और जेटी से नाउ वी आर गोइंग टू द एलिफेंट बीच। दिस इज नॉट जेटी, दिस इज जेटी, पूरा जेटी है। फोटो यहाँ पे नहीं, इधर से लेते, यहाँ आ जाओ। तो हम लोग बढ़ चले हैं, चले हैं एलिफेंटा बीच। वाओ, स्पीड पकड़ी, स्पीड पकड़ी ट्रेन, ओ सॉरी बोट ने। हेलो, पानी की चीटें आ रहे हैं पूरे फोन में, इसलिए तो वाटर प्रूफ फोन लिए हैं। बेटा यहाँ पे गिरा ना गलती से, फोन जाएगा पार। This is Elephanta Beach. हम लोग उस साइड से आए हैं, समुंदर के उस पार से इस पार। वो बच्चा कह रहा है, बच्चा कह रहा है मुझे तो डर लग रहा है फॉरेस्ट में। फॉरेस्ट उसको लग रहा है, उसको लग रहा है वो मम्मी पापा से फॉरेस्ट में लेकर आ गए हैं। तभी तो क्यों है, छोटा सा बच्चा, छोटा सा बच्ची, मुझे तो डर लग रहा है, मुझे तो नहीं जाना है यहाँ पे। चल बेटे उसको बताती हूँ, बल्लू उनके चलते हो। आप सभी का फ्री है, जिसके लिए आप किसी को कोई कॉस्ट पे नहीं करना पड़ता, और ये वन बाई वन कराया जाता है। आप में से जो भी इंटरेस्टेड रहेगा पहले मैं उनको भेजूंगा, यहाँ पे शोर में आपको ट्रेनिंग कराया जाएगा। यहाँ पे जो ट्रेनिंग होएगा उसमें आपको हाफ मार्क्स मिलेगा, जिसमें आपका हाफ पेज कवर होगा। ये नोट सबका सील रहेगा, एक स्नॉकल पाइप दिया जाएगा जिससे आपका माउथ को सील करके ब्रीथ कर पहुंचे। और चलो जी, बाल मेरे पूरे हो चुके हैं खराब, क्योंकि हमने अभी यहाँ पे नहाई धुआई करी है।
जो अभी स्नॉर्कलिंग करने के बाद अब हम चले हैं, कहाँ चले हैं, तो अभी हमारी हो गई स्नॉर्कलिंग और स्नॉर्कलिंग हमने की है डीप वाटर। भाई साहब जो मज़ा आया है पूछिए मत। स्नॉर्कलिंग करने के बाद गहरे समुद्र के बीच में उतर के आए, नीचे कोरल्स वोरल सब देख कर आए, स्टार फिश भी मिली है हमें देखने को, स्टार फिश भी हम देख कर आए हैं, स्टार फिश जेली फिश सब देख के आए हैं। भाई साहब वो पैरट वाला कितना अच्छा था, पैरट फिश मज़ा आ गया मज़ा। तो अब चलेंगे सबमरीन में देखने के लिए। तो अब हम लोग चले हैं सबमरीन की तरफ और ये देखिए ये पगडंडी पे चले हैं। प्लास्टिक की पगडंडी पे सबमरीन वाला कौन सा है वो रहा ना रिफ। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं वापस अपने रूम और देखिए बहुत टच टू टच पहुंचे हैं, इतने टच टू टच जैसे ही रूम के अंदर आए हैं विद इन 5 to 10 minutes बहुत जोर की बारिश। रास्ते में हल्की हल्की बारिश हो रही थी बट बीच में एक बार हुई थी, फिर तेज बारिश नहीं हुई। और जैसे ही हम आए, अगर बोट में रास्ते में बारिश आ जाती तो भाई साहब फिर तो गीले थे प्रॉपर। जैसे ही घर पहुँचे हैं और भाई साहब क्या नज़ारा है। तो आज हम गए थे एलिफेंटा बीच, हेवलॉक से गए थे एलिफेंटा बीच, बाहर पहले पोर्ट पे गए, फिर जेटी से हम बाया बोट हम गए अपना एलिफेंटा बीच। और एलिफेंटा बीच पे हमने स्कूबा ड्राइविंग करी, सब मरीन ट्रैवल किया और कोरल फिश अल्टीमेट। तो कुल मिला के आज का दिन अच्छा। अब देखते हैं अभी और हम घूमने चलेंगे तो फिर घुमाएंगे आपको भी। वेट,